भारत जानता है कि उसके मार्केट की ताकत क्या है, तभी तो चीन ही क्या दुनिया के बड़े बड़े देश भारत में अपना सामान डंप करने में लगे थे। और इसमें तो सबसे बड़ा हाथ चीन का ही है, जिससे भारत का ही पैसा देश के बाहर जाने को मजबूर था। यहाँ भारत से देर जरूर हुई है, पर भारत के हालिया फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। दरअसल ये तो आप जानती हैं कि भारत ने PLI को लॉन्च करते हुए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला था, जिसके फायदे भारत को अब मिलने शुरू भी हो चुके हैं। ये तो आप जानती हैं कि आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यही भविष्य का रास्ता है। और अब इसी मिशन को धार देने के लिए अमेरिकी कंप्यूटर दिग्गज HP भारत के मेक इन इंडिया ताकत में इजाफा करने के लिए स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए भारत में बड़े स्तर पर लैपटॉप बनाने का काम करेगी। यानी कि यहाँ HP अपने लैपटॉप इलाइट बुक्स, प्रो बुक्स और HP G8 सीरीज नोटबुक को बनाने के लिए जिस भी कंपोनेंट का इस्तेमाल करेगी वो पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। यानी कि HP उन्हें लोकल ब्रांड से ही खरीदेगी और इसके लिए कंपनी तमिलनाडु के पास श्री पेरुमदूर में फ्लेक्स सुविधा में इसका निर्माण करेगी। और यह पहली बार है जब HP भारत में हार्डवेयर की इतनी वाइड रेंज की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यहाँ हम बता दें कि HP लंबे समय से भारत में कमर्शियल डेस्कटॉप का निर्माण कर रही है, लेकिन अब उसने देश में ही लैपटॉप की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। यानी कि अब जो भी HP के लैपटॉप भारत में मैन्युफैक्चर होंगे उनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। मतलब साफ है, भारत के ये बढ़ते कदम चीन को उसकी असली जगह दिखाने का काम करेंगे। यहाँ हम बता दें कि पहले HP कंपोनेंट और पार्ट को इम्पोर्ट करता था और फिर उन्हीं इम्पोर्टेड कंपोनेंट द्वारा उन्हें असेंबल भी किया जाता था, जिसकी वजह से उसकी कीमत में इजाफा देखने को मिलता था। पर अब जब कंपनी द्वारा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा तब ये लैपटॉप पॉकेट फ्रेंडली होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि 31.5% की बाजार हिस्सेदारी के साथ HP देश में टॉप सेलर भी है। अब HP ने मेक इन इंडिया की डोर थाम ली है, तो फिर ये नंबर आने वाले वक्त में और भी बढ़ने की संभावना है, जो जाहिर सी बात है भारत की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाएगा।